कुलीन मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में 71वां सालाना जलसा रहमतुल आलमीन का सदर तंजीम सैयद जलील अहमद एडवोकेट और सदर इस्तकबालिया डॉक्टर फखरुद्दीन मोहम्मद की निगरानी में रेड रोज फंक्शन हॉल में इनेखाद अमल में आया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कुलहिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेरे एहतमाम 71वां सालाना जलसा रहमतुल आलमीन रेड रोज फंक्शन हॉल नामपल्ली में मुनक्किद हुआ। कोरोना वबा के पेश नज़र ग्लोबल सतह पर ऑनलाइन भी इस जलसे को मुनक्किद किया गया। जलसे का आगाज खारी मोहम्मद अजीमुद्दीन की तिलावत कलाम पाक से हुआ। मुखर्रीन में सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना इरशाद अहमद बाखवी, डॉक्टर एहसान बिन मोहम्मद अलहमूमी, ख्वाजा फरीद शर्फी, जबकि ऑनलाइन मौलाना ताहिरुल खादरी, शेख फखरुद्दीन ओवैसी साउथ अफ्रीका के अलावा दीगर मुखर्रीन ने खिताब किया। मुखर्रीन ने मुसलमानों को तलखीन की कि वो कुरान और सुन्नत पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मादर वतन में आम करें ताकि इस्लाम से मुतालिक पाए जाने वाली गलत फहमियों को दूर किया जा सके। चेयरमैन इस्तकबालिया डॉक्टर मोहम्मद फखरुद्दीन और निजामत के फरायस डॉक्टर यूसुफ हामदी ने अंजाम दी। इस मौके पर अवाम की कसीर तदाद मौजूद थी। फरोगे वादिये सिना निगाहें इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। आज बारवा रबीउल अव्वल को हम ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के तहत 71 यौम रहमतुल आलमीन सेलिब्रेट की। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हर साल नेशनल लेवल पे होता था, पर ये साल वर्चुअल फैसिलिटी की वजह से, ऑनलाइन मुसलिन होने की वजह से हम इसको ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे स्पीकर्स को लेके प्रोग्राम कंडक्ट किए। मुझे उम्मीद है कि आवाम से मुस्तफ़ी हुई होगी और तफसील से तमाम मुसलिन के मुकम्मल स्पीचेस यूट्यूब तामीर मिल्लत के यूट्यूब और मुख्तलिफ चैनल्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं चाहूँगा कि आवाम उसको ज़रूर मुतालआ करें। तो बहुत अच्छा मैसेज इन मुसलमानों ने दिया है। मुझे उम्मीद है कि हज़रत शेख हदीस जनाब डॉक्टर ताहिरुल खादरी साहब की स्पीच, जनाब डॉक्टर एहसन अलमूनू की स्पीच, डॉक्टर कुद्दूस अल अज़हरी ऑस्ट्रेलिया से, जनाब शेख फखरुद्दीन ओवैसी साहब साउथ अफ्रीका से, ये तमाम के स्पीचेस से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा और हम जो आज इंटरनेशनल लेवल पे फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों जो आम शख्सियत है जिसने कोशिश की कि नूरम की सीरत के बारे में गलत कहें, मैं समझता हूँ कि वो नावाकिफ है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस तक सीरत नबी के बारे में तफसीलात भी जाए ताकि उसको मालूमात हो जाए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी नेक हिदायत दें।